हाय, हेलो, व्हाट्स अप। उम्मीद है कि आप वीडियो का टाइटल पढ़ के ये नहीं समझ रहे होंगे कि आपसे नीट एस्पिरेंट्स को भी जेईई देना है। नहीं, मतलब कुछ और है, और ऑब्वियसली आपको आगे वीडियो में समझ आ ही जाएगा। ये वीडियो का मकसद है आप नीट एस्पिरेंट्स को अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज और टेस्ट करने के लिए एक सोर्स देना, नॉट बाय अ बुक, नॉट बाय अ मॉक टेस्ट, बट लिटरली बाय जेईई मेंस। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट था, तब 2022 में नीट देने से पहले मैंने अप्रैल शिफ्ट में जेईई मेंस का एग्जाम दिया था टू टेस्ट माय प्रिपरेशन फॉर नीट। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे, अगर हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जेईई एग्जाम का इसमें क्या काम। सेम, मैं भी सोचता था, मगर फिर मैंने सोचा, थोड़ा और सोचा, और सोच समझ के ये भी समझ लिया कि नीट के साथ साथ जेईई मेंस का एग्जाम अगर मैं दे भी दूं तो नुकसान क्या है। इनफैक्ट ऐसा करने से मुझे फायदा ही होगा। अब लेकिन मेन टॉपिक पे आने से पहले अपने जेईई मेंस के अटेम्प्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरा जेईई अटेम्प्ट नीट एग्जाम से 3 महीने पहले था, और तब मेरी प्रिपरेशन कम्प्लीट तो नहीं हुई थी, लेकिन ठीक ठाक ही चल रही थी। अब जब मैंने जेईई मेंस दे दिया तो गेस करो कि मेरे सब्जेक्ट्स क्या होंगे। बिल्कुल सही गेस किया है, पीसीएमबी। नहीं, मेरे सब्जेक्ट्स पीसीबी थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिर मैंने जेईई मेंस दिया कैसे? वो इसीलिए क्योंकि जेईई मेंस देने के लिए मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं है। एक पीसीबी स्टूडेंट भी जेईई मेंस के एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट की जरूरत काउंसलिंग और कॉलेज एडमिशन के टाइम जरूरत होती है, जहां आपको प्रूव करना होता है कि आपने 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट एग्जाम को पास किया हुआ है। तो ये अपने टाइम पे सुन के मैंने फौरन डिसाइड कर लिया कि मैं भी जेईई मेंस का एग्जाम दूंगा, क्योंकि मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन उस टाइम पे ठीक ही चल रही थी, और इसको भी मैंने अपने बाकी टेस्ट की तरह एक मॉक टेस्ट ही समझा। और मुझे इस एग्जाम को देने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रॉपर आइडिया मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मेंटल प्रिपरेशन में भी मेरी काफी हेल्प हुई। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह और बाकी कई सारे नीट एस्पिरेंट्स की तरह जेईई मेंस का एग्जाम दें। और इसका फायदा अगर आप मुझसे पूछें तो इसका सिंगल बिगेस्ट एडवांटेज कॉन्फिडेंस बूस्ट होना ही है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि सुनने में तो सीधी बात लगती है कॉन्फिडेंस बूस्ट, लेकिन नहीं, ये उतना सिंपल नहीं है। अब सब लोग जानते होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होने के लिए स्टूडेंट की सिंगल सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है। यस, कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट हम सब लोग अपनी प्रिपरेशन के किसी ना किसी पॉइंट पे सेल्फ डाउट और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से सफर कर रहे होते हैं, इवन दो एक्चुअल में हम लोग ठीक जा रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छी या फिर बस ठीक जा रही है, देन यू शुड डेफिनेटली अपेयर इन द एग्जाम। और सेकंड पॉइंट है, एक परफेक्ट एग्जाम लाइक सिचुएशन में अपने कंपोजर को चेक करना, यानी किसी पॉइंट पर फंसने के बाद भी खुद को काम रखना सीखना। और यही वो पॉइंट है जहां पर वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स भी काफी टाइम फंस जाते हैं। प्रिपरेशन अच्छी जा रही होती है, मार्क्स भी बढ़िया आ रहे थे, और कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, लेकिन एग्जाम में किसी अनसर्टेन चीज की वजह से किसी पॉइंट पर फंस के वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और अपना पूरा पेपर बर्बाद कर देते हैं। ऐसा आप लोग कई बार अपने कोचिंग टेस्ट में भी फील करते होंगे, और सोचो जब एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज होती होगी तो इंसान क्या फील कर पाता होगा और एक्चुअल में कैसे मैनेज कर पाता होगा। इसीलिए इस चीज को सीधा एग्जाम के दिन पे नहीं छोड़ना होता, बल्कि पहले से इसको टैकल करने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियसली अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना कि कहां इंप्रूवमेंट और चेंजेस की जरूरत है। लेकिन प्रिपरेशन को चेक करने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप एज अ फाइनल पॉइंट जज करें, यानी अगर इस वाले एग्जाम में आपसे कुछ चीजें नहीं होती या कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप बैठ ये समझ ले कि अब आपसे आगे नीट में भी कुछ नहीं होने वाला, बल्कि इससे आपको ये सीखना है कि यहाँ पर आपको स्लाइट इंप्रूवमेंट की जरूरत है और इन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे मॉक टेस्ट से आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे वो 3 मेजर बेनिफिट्स जो मैंने खुद अपने टाइम पर ऑब्जर्व किए, और मैंने समझा कि आपके साथ ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था। अब लेकिन जेईई एग्जाम देना कैसे, तो सुनो, इसके 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। पहला है जनवरी अटेम्प्ट, और वो तो निकल गया, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ो, जाने वाले को वैसे भी कौन रोक सकता है। दूसरा अटेम्प्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो होगा अप्रैल में, स्पेसिफिकली फ्रॉम 4 अप्रैल टू 15 अप्रैल, और इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, लेकिन 2 मार्च को खत्म होने वाली है। हाँ, 2 मार्च, काफी कम टाइम बचा है, इसीलिए जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर दो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई नुकसान होने नहीं वाला। अपने कॉन्फिडेंस, कंपोजर और प्रिपरेशन को टेस्ट जरूर करो। और अब अगर आपके सब्जेक्ट सच में सिर्फ पी सी और बी है, और आपको जेईई मेंस सिर्फ और सिर्फ अपनी नीट प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए देना है, मतलब शॉर्ट में अभी तक जो मैं इस वीडियो में बोल रहा था वही, तो ध्यान रखें कि इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए और ऑन पेपर अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आप जेईई ओनली टॉपिक्स या जेईई एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करने मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा इस एग्जाम के लिए भी नीट का ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टडी मटेरियल अच्छे से रिवाइज करो, और इसको एज अ होल रिविजन मेथड ट्रीट करो। अब इसके बाद जब आप एक्चुअल पेपर में जाओ तो वहां पर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से स्लोली ध्यान से सॉल्व करने में टाइम देना, क्योंकि वैसे भी आपको नीट
के कंपैरिजन में हर एक क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा टाइम मिलने वाला है। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ पोर्शन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने खुद भी अपने टाइम पर किया था, लेकिन 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 प्लीज पूरा टाइम बस मैथ पेपर ही सॉल्व करने में मत लग जाना, वरना जिस एक्चुअल पर्पस के लिए हमने जेईई मेंस दिया था वही पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे बायो वाले पूरा टाइम मैथ्स कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको कौन सा वैसे भी मैथ्स आता है, लॉल। ओके, तो ऐसे ही बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करना, कुछ दिन बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप अपने स्कोर / परसेंटाइल को देखकर एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि आप प्रिपरेशन में कंपटीशन के अंदर कहां स्टैंड करते हो, और इसी अकॉर्डिंग फिर आप अपने लास्ट डेज को प्लान कर सकते हो और नीट में अपने ओवरऑल स्कोर को इंक्रीज करने की तरफ काम कर सकते हो। तो ये मैंने शेयर किया आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे खुद अपने टाइम इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि शेयर करना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जेईई के पेपर्स एनालाइज करो, बाय। सच में करने मत बैठ जाना, प्लीज नीट पे ज्यादा फोकस करो, बाय।